हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आज मैं बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत जी की जो डेथ हुई है उसके बारे में। और मैं आपको बता दूं, मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं पिछले 15 साल से और काफ़ी केसेस में मैंने अपनी ओपिनियन दी है, आरुषि मर्डर केस में, सौम्य मर्डर केस में, और जब मैं दुबई में था तो श्रीदेवी केस में। मैं एसोसिएट प्रोफेसर रह चुका हूँ फॉरेंसिक साइंस का पिछले 15 साल से। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पूरा। तो पहली चीज़ हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब सुशांत सिंह जी की बॉडी जो है बरामद हुई तो अभी तक जो टीवी में दिखाया जा रहा था वो ये दिखाया जा रहा था कि सुशांत सिंह जी की बॉडी जो है लेटी हुई पाई गई उस पर, मतलब उन्होंने उतारा नहीं है पुलिस ने, और अगर उतारा भी है तो जो हरे कपड़े की बात चल रही है, सबसे पहले पुलिस को ये पता करना चाहिए कि वो हरा कपड़ा आया कहाँ से। उसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखनी चाहिए कि कौन लेके आया हरा कपड़ा, या किधर से आया, या वो एक दुपट्टा था, अगर वो दुपट्टा था तो क्या वो उनके फ्रेंड का था किसी का, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, या अगर वो पर्दे का कपड़ा था जैसा कि बताया जा रहा था पहले, तो वो हरा पर्दे का कपड़ा कहाँ से आया, कमरे में से आया या बाहर से था। और सेकेंडली, जैसा कि सुसाइड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऊंचाई होनी चाहिए, अगर कंप्लीट हैंगिंग है, फुल हैंगिंग है, तो उसके लिए हमें एक कोई स्टूल या टेबल इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा सुसाइड के लिए। और अगर ये पार्शियल हैंगिंग है जहाँ पे आदमी अपने घुटनों के बल झुक जाता है अपना कपड़ा बांध के, तो हमें उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो ये हुई पहली एक बात उस हरे कपड़े के बारे में, और सेकेंडली जो बॉडी की हाइट है और जो कमरे की हाइट है उस चीज़ को पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि जो कमरे की हाइट है या जो क्लिप है वहाँ से जो भी उसको नापा जाए कि कितनी हाइट से पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। और तीसरी चीज़ जो आती है, जो चाबी की बात चल रही है कि कमरा अंदर से लॉक था, तो एक चाबी जो मिसिंग है, डेफिनेटली बिल्कुल ये हो सकता है कि चाबी मिसिंग है तो एक चाबी से बाहर से ताला लगाया गया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड चीज़, जो उन्होंने जूस पिया वो जूस का ग्लास अंदर था कमरे के या बाहर था या मिला ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा जिक्र नहीं आया कि जूस के ग्लास का उसका क्या हुआ, ठीक है। और ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि सारी सीसीटीवी कैमराज बंद क्यों थे, या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े स्टार के घर में या घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, या वो काम ना कर रहा हो, उसको बंद कर दिया गया हो। तो ये सब अपने आप में ऐसे तथ्य हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो सीधे ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी का जो है ये सुसाइडल केस काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं कि उनके जो गले पर निशान था, आप जो गले का निशान मैं यहाँ पर दिखाऊंगा स्क्रीन पर, जो गले पर निशान था वो काफ़ी हैवी निशान है, और ऐसा निशान तब पड़ता है जब किसी को गला घोटा जाए, नंबर एक, जब काफ़ी समय तक काफ़ी टाइट प्रेशर अप्लाई किया जाए, नंबर दो, बॉडी काफ़ी समय तक लटकी रहे। तो बॉडी काफ़ी समय तक लटकी रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके नौकर ने बताया कि वो 9:30 बजे तकरीबन बाहर आए थे जूस पीने के लिए, और नौकर ने तकरीबन 10:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया, तब तक कोई आवाज़ नहीं आई है। तो बॉडी ज़्यादा समय तक देर तक नहीं लटकी रही है, ये बात साबित होती है, या फिर बॉडी को मारने के बाद लटकाया गया हो तो इस तरीके के निशान, तुरंत मारने के बाद किसी की डेथ के बाद अगर हम बॉडी को लटका देते हैं तो इस तरीके के गहरे निशान पड़ सकते हैं। तीसरी चीज़, जो पोजिशन ऑफ नॉट है, जो गांठ की पोजिशन थी वो भी कुछ क्लियर नहीं है, वो ये नहीं बताती, और गांठ कैसी लगाई गई थी, नूज थी, मतलब अपने आप जो जैसे हम हिंदी में कहते हैं जो खुद सरकने वाली गांठ होती है वो थी, या टाइट थी, किस तरीके से गांठ लगाई गई थी, और जो गांठ की पोजीशन है लेफ्ट और राइट में कहीं एक जगह होती है सुधारल केस में, तो इस केस में मेरे ख्याल से उनके मैं लेफ्ट में थी। तो जब लेफ्ट में गांठ होती है तो जो पर्सन का जो मुंह है वो अपोजिट साइड में गिरेगा, यानी कि राइट में गिरेगा, और अगर राइट में गांठ है तो पर्सन का जो फेस है वो अपोजिट साइड में गिरेगा। पर आप ये देखेंगे कि जो एलोंगेटेड एरिया है वो इसी साइड में है, और इतना ज़्यादा एलोंगेटेड, इतना ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं लग रहा है, इसका मतलब बॉडी वेट उतना नहीं पड़ा था सुसाइड के समय, बॉडी वेट उतना नहीं पड़ा था, यानी कि हैंगिंग कंप्लीट नहीं हुई थी या तो, और या फिर बाद में हैंगिंग हुई है।
उससे अगली बात है कि जब कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसकी जीभ जो है वो काफ़ी स्वेलन हो जाती है, सूज जाती है या बाहर की तरफ निकल आती है, और जो सलाइवा है वो सलाइवा निकलता है या थूक जिसे कहते हैं वो बाहर आ जाता है। ऐसा कोई एविडेंस देखने को हमें इस केस में नहीं मिला। यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, फीकल मैटर डिस्चार्ज हो सकता है, तो वो भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और काफ़ी चेहरा और होंठ काफ़ी नीले और काले पड़ जाते हैं, तो वो भी देखने को नहीं मिला है। तो काफ़ी पूरा मामला जो है बहुत सारी चीज़ें कहता है कि इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और किसको कॉल किया था, जो कॉल डिटेल्स हैं वो कॉल डिटेल्स की कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है पुलिस से कि कॉल डिटेल्स कैसी हैं, किसको कॉल किया गया था पहले या बाद में, ये भी एक वजह है। अब आप देखें क्राइम सीन पर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जैसे कपड़े पर फिंगरप्रिंट्स की जो बात चल रही है कि लेफ्ट उंगली का मिला है, हालांकि कपड़े पर फिंगरप्रिंट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, और फिंगरप्रिंट क्योंकि किसी भी इतनी एब्जॉर्बेंट सर्विस पर रुकते नहीं हैं, तो फिंगरप्रिंट्स की बात को मैं नहीं मानता उस कपड़े पर। हाँ, सुशांत सिंह जी के हाथ पर उस कपड़े के फाइबर्स थे या नहीं ये बहुत ज़रूरी था, तो पोस्टमार्टम के समय यह देखना चाहिए था कि सुशांत सिंह जी के हाथ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या मैग्नीफाइंग ग्लास से भी वो करते कि उनके हाथ पर उस कपड़े के फाइबर्स, हरे कपड़े के फाइबर्स थे या नहीं, तो इससे हमें पता चल जाता। क्राइम सीन की बाकी चीज़ें देखी जाती कि स्ट्रगल हुआ है क्राइम सीन पर या नहीं हुआ है, तो इस तरह की भी जांच करनी चाहिए थी या करनी चाहिए, अभी भी कर सकते हैं अगर वो कमरा क्राइम सीन पूरी तरह से क्लीन अप नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिस को देखनी चाहिए सबसे पहले। तो एक्सटर्नल एविडेंस है जो क्राइम सीन पर एविडेंस है, फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जैसे कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह होती है या स्टेटमेंट्स हैं जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं या जो सस्पेक्ट्स हैं उनके स्टेटमेंट हैं, उसे देखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो फिजिकल एविडेंस है जो कि फॉरेंसिक साइंस में जिनके बहुत मायने होते हैं, तो फिजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस केस में लिगेचर जो कि कपड़ा यूज़ किया गया या जो भी तरह का मटेरियल यूज़ किया गया वो अपने आप में एक खुद इतना बड़ा एविडेंस है कि वो कई चीज़ों का आंसर कर सकता है। सेकंड चीज़ है कि बॉडी का हाइट और वेट और कमरे का हाइट, कमरे की हाइट जो बहुत चीज़ें आंसर कर सकती है अपने आप, और किसी चीज़ को क्या चीज़ यूज़ की गई है ऊपर चढ़ने के लिए या फांसी लगाने के लिए, वो भी चीज़ देखनी चाहिए थी, और अगर उस चीज़ की एब्सेंस है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। कमरा लॉक था अंदर से, माना कि कमरा लॉक था, पर क्या खिड़की जो थी विंडो पेन भी लॉक थे अंदर से या खुले हुए थे, और क्या बाहर से कोई निकलने का रास्ता है या नहीं है विंडो पेन से, विंडो से, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की हैं, और फिर स्टेटमेंट के साथ ये देखा जाए डेफिनेटली तो पता चल सकेगा। और ऐसी जानकारी लेके मैं आगे भी आता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।